सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कंचन और आज मैं बनाने वाली हूं गाजर का हलवा, वो भी कुकर में। अगर आपके पास टाइम कम हो और अगर आप गाजर को घिस कर या कद्दूकस करके हलवा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप कुकर में भी वही स्वाद के साथ बना सकते हैं। आपका टाइम भी कम लगेगा और झटपट ये गाजर का हलवा बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं कुकर में गाजर का हलवा। और ये रेसिपी की ओर बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन जरूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। और रेसिपी अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं कुकर में गाजर का हलवा। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम गाजर लिए हुए हैं। रेड वाला गाजर मैंने यूज़ किया है, आप ऑरेंज गाजर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाजर को हम इस अच्छे से छील लेंगे इस तरह, और गाजर के दोनों साइड को भी कट कर लेंगे। तो सारे गाजर को मैं इस तरह छील लूँगी, और यहाँ पे सारे गाजर मैंने छील लिए हैं। इसको मैं एक बार वॉश कर लूँगी, यहाँ पे सारे गाजर को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और इसका पानी मैं अच्छे से निचोड़ के निकाल लूँगी। आप चाहें तो पोंछ सकते हैं गाजर को। तो सारे गाजर मैंने धो लिए हैं, इसको मैं बड़े बड़े टुकड़ों में अब कट कर लूँगी। इसी तरह बड़े बड़े टुकड़ों में हमें कट कर लेना है। बहुत कोई मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको मिक्सी में ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लीजिए। तो यहाँ पे सारे गाजर को हमने कट कर लिया है। अब हम चलेंगे गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस के ऊपर मैंने कुकर को रख दिया है। कुकर गर्म हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून घी ऐड करूँगी। जब तक घी हमारा गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पर हम इलायची को कूट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 इलायची लिए हैं जिसको दरदरा कूट लूँगी, और इलायची के दाने के साथ इलायची के छिलके को भी हम घी में ऐड कर देंगे। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट और महक आएगा। साथ ही मैं ऐड करूंगी 2 लौंग और 1 तेज़पत्ता। इन सबको हम घी के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लेने के बाद यहाँ पे हम कटे हुए गाजर को भी ऐड करेंगे, और गाजर को भी हम लो फ्लेम पे। तो हमें गाजर को 4-5 मिनट तक लो फ्लेम पे इस तरह फ्राई करना है। थोड़ा सा हम इस तरह कुकर में मिक्स भी कर सकते हैं, ये थोड़ा हो जाता है रेस्टोरेंट स्टाइल इस तरह मिक्स करना। तो यहाँ पे आप कुकर का ढक्कन ढककर 1 सीटी लगा सकते हैं। तो उससे पहले मैं ये दूध का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1/2 कप दूध लिया था, उसमें से आधा मैंने डाला है और आधा रख लिया है। आप बिना दूध और पानी का भी गाजर को सीटी लगा सकते हैं, सिर्फ 1 ही सीटी लगाना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ दूध का ऐड कर रही हूँ, क्योंकि दूध हमारा सीटी लगने से फट जाता है, और फटने के बाद जो छेना होती है, छेना का जो दाना दाना टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अगर आपको पसंद हो तो आप दूध ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर कुकर में सीटी हमारी लग चुकी है, और देख सकते हैं दूध हमारा छेना बन चुका है, और यहाँ पर गाजर भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो उसको हम इस तरह थोड़ा सा दबाकर, या फिर मैसर से, अगर मैसर है आपके पास तो मैसर से इस तरह दबा दबा कर मैश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कलछुल की सहायता से इसको मैश कर लूँगी सारे गाजर को। यहाँ पे देख सकते हैं सारे गाजर हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो सारे गाजर को हम इस तरह मैश कर लेंगे, और इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे दूध। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे यहाँ पे और मिलाते जाएंगे गाजर को, और लास्ट में सारे दूध हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 कप दूध ऐड किया है। तो अच्छे से हम दूध को इस तरह मिला लेंगे गाजर के साथ, और जो कुकर के किनारे किनारे हमारे गाजर लटक चुके हैं उसे भी अच्छी तरह से हम इस तरह निकाल लेंगे, और उसको भी दूध के साथ मिला लेंगे। तो यहाँ पे दूध को हम थोड़ा सा इस तरह मिलाते मिलाते अच्छे से पकाएंगे। तो दूध के साथ अच्छे से गाजर को हमें मिलाते हुए पकाना है जब तक दूध हमारा ड्राई नहीं हो जा रहा है। तो यहाँ पे दूध हमारा ड्राई हो चुका है, तो इस स्टेज पे हम अब ऐड करेंगे मीठा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ गुड़ लगभग 1 कप। आप चीनी का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चीनी का मीठा पसंद हो। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जिस वजह से मैंने गुड़ का यूज़ किया है, और इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो गुड़ के साथ बनाने से आपका हेल्दी के साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए गुड़ के साथ गाजर का हलवा बनाने का। यहाँ पे गुड़ भी हमारा गल चुका है, और देख सकते हैं कलर कितना सुंदर आया है। जिसको थोड़ा सा
लिक्विडी गाजर का हलवा पसंद हो तो आप इस जगह पे ड्राई फ्रूट ऐड करके आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे ड्राई और करूँगी। इस तरह इसे हम मिला लेंगे और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा चीनी। तो यहाँ पे 1 चम्मच लगभग मैंने चीनी ऐड किया है और इसको भी मिला लेंगे। चीनी को भी हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ही आप ऐड करें या फिर स्किप कर सकते हैं। तो लगभग 2 चम्मच जितना मैंने कंडेंस मिल्क भी ऐड किया है, इससे मीठा थोड़ा और बढ़ जाएगा। देख सकते हैं कलर कितना सुंदर आ रहा है। अगर आपको पसंद हो खोआ तो आप खोआ भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं किशमिश, किशमिश को भी मैं मिला दूँगी। यहाँ पे गाजर भी हमारा ड्राई हो चुका है और ये हमारा लगभग रेडी भी है गाजर का हलवा। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट को भी ऐड कर दूँगी। ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है काजू, पिस्ता, बादाम, इन सब को भी हलवे के साथ मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे गाजर का हलवा हमारा एकदम रेडी है, ये देख सकते हैं पूरा ड्राई हो चुका है। अगर आपको लिक्विडी पसंद हो तो लिक्विडी आप रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ड्राई पसंद है तो मैंने इसे एकदम ड्राई कर लिया है। और देख सकते हैं कलर कितना सुंदर और टिमटिम लग रहा है देखने में, लग नहीं रहा है कि इसको हमने कुकर में बनाया है सीटी लगा के। तो यहाँ पे गाजर को हम सर्व कर लेंगे और गर्मा गर्म आप अपनों के साथ खाइए। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो ये इसको अब थोड़ा सा हम सर्व कर लेंगे ड्राई फ्रूट के साथ। और ये गाजर का हलवा हमारा एकदम रेडी है, झटपट बनाइए कुकर में गाजर का हलवा सेम टेस्ट के साथ। और ये कलर देख सकते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपको कलर थोड़ा इस तरह दिखेगा, तो लग नहीं रहा है कि ये हमने कुकर में बनाया है। ये गाजर का हलवा रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। तो मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।